अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं, मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों ना हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगल सूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा, इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है उसकी भी जांच होगी, किसके पास एक वाहन है, किसके पास दो वाहन है उसकी भी जांच होगी, यानी किसके पास कितनी जमीन है उसकी भी जांच होगी, व्हीकल कितने हैं उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी, सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो दो में से एक छीन लेंगे, कि आपको दो की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है, आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगल सूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है।
इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है।